नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब सिम कार्ड मिलना नहीं होगा आसान। सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों के लिए सॉफ्टवेयर में किया बड़ा बदलाव। विज्ञान में रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को मिलेगा लैपटॉप। आज के बाद दोहरा चरित्र दिखाएगा मौसम। स्कॉटलैंड को हरा सुपर 6 ग्रुप में पहुंची महिला भारतीय टीम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में 50 मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी के 50 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को ग्रेजुएशन 60% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 5 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट aicofindi.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। भाषा और गणित के ज्ञान में बेटियां निकली बेटों से आगे। ASER के द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 तक सरकारी और निजी स्कूलों में किए गए सर्वे के आंकड़े के अनुसार राज्य में भाषा और गणित के ज्ञान में बेटियां को बेटों से आगे पाया गया है। दरअसल कक्षा 5 से कक्षा 2 के गणित के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें यह पाया गया कि 2022 में 2018 की तुलना में 34.7% छात्र व 25.7% छात्राओं से बढ़कर 37.4 व 33.4% हो गया है। वहीं कक्षा 8 से 2018 में 66% छात्र व 39.8% छात्राओं ने जवाब दिया था, जो 2022 में बढ़कर 62.1% और 57% हो गया है। इन चार वर्षों में कक्षा 8 में छात्राओं का प्रतिशत जहां 7.2% बढ़ा, तो वहीं दूसरी ओर छात्र 3.9% घटा है। गणतंत्र दिवस को लेकर कमिश्नर ने किया गांधी मैदान का निरीक्षण। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसका निरीक्षण लेने बीते दिन पटना जिले के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के साथ जिलाधिकारी और पटना SSP पहुंचे, जहां उन्होंने पटना नगर निगम और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ गणतंत्र दिवस की तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान पटना प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा बांस और बल्लों से लगाई गई दर्शक दीर्घा की भी जाँच की गई और साथ ही गांधी मैदान के अंदर इस वर्ष तैयार होने वाली झांकियों की तैयारियों का भी जायजा लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में कुल 12 विभागों के द्वारा झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मनीष मेहरोत्रा के बारे में। मनीष मेहरोत्रा का जन्म आज ही के दिन 1974 में हुआ था। यह भारत में एक शेफ है। उन्होंने फूडिस्तान, NDTV, गुड टाइम्स द्वारा एक टेलीविजन कुकिंग गेम शो वीर सांगवी अवार्ड 2010 और 2012 के सर्वश्रेष्ठ शेफ, HDCT क्रिस्टल अवार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर सहित कई पुरस्कार जीते हैं। वह मास्टर शेफ इंडिया 2015 में गेस्ट शेफ के रूप में थे और उन्हें ऑर्डर ऑफ स्कोफियर डिसिप्लिन में शामिल किया गया। मेहरोत्रा ओल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली में ओरिएंटल ऑक्टोपस और लवासा के किचन के प्रमुख हैं। इंडियन एक्सेंट को एस से सम्मानित किया गया है। वह अपनी खाना पकाने की शैली को आधुनिक भारतीय व्यंजन और अंतर्राष्ट्रीय उच्चारण के साथ भारतीय भोजन या इसके विपरीत कहते हैं। उन्होंने 2011 में सिंगापुर में पेटू शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आमंत्रित किए जाने वाले एकमात्र भारतीय शेफ थे। अब सिम कार्ड मिलना नहीं होगा आसान। बिहार में साइबर अपराध पर लगाम लगाने को लेकर बिहार पुलिस के द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया है। बता दें कि अब सिम कार्ड खरीदना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए बिहार पुलिस के द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कह दिया गया है कि वे सभी खुदरा विक्रेताओं और दूरसंचार कंपनियों द्वारा TRAI के सिम कार्ड पंजीकरण नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। ADG के द्वारा कहा गया है कि प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड की खरीद करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों से उन लोगों की लिस्ट मांगी गई है जो फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड लेते हैं। इस बात की जानकारी बिहार पुलिस की EOU के अतिरिक्त महानिदेशक नैयर हसनैन खान के द्वारा समाचार एजेंसी PTI से बातचीत करते हुए दी गई है। सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों के लिए सॉफ्टवेयर में किया बड़ा बदलाव।
जमीन से जुड़े मामलों पर परेशानी कम करने को लेकर सरकार के द्वारा सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव किया गया है। किए गए बदलाव के अनुसार अब दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर में वादों के निष्पादन के समय प्रतिवेदित खेसरा पर कुल दायर वादों की सूची अपडेट स्थिति के साथ पारदर्शिता होगी। हुए इस बदलाव में अब यह भी पता किया जा सकेगा कि संबंधित खेसरा पर कुल दायर वादों कितने हैं, पहले कितनों का निष्पादन किया जा चुका है, आने वाले समय में कितनों का निष्पादन किया जाएगा, अभी कितने मामले लंबित है जैसे समेत जमीन से जुड़ी सभी जानकारी मौजूद होगी। इसके साथ ही इससे क्रेता का नाम और निष्पादन की स्थिति भी देखी जा सकेगी। बीते दिन भोजपुर पहुंचे सीएम नीतीश, गदगद हुआ मन। बीते दिन समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर पहुंचे, जहां उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान उनका स्वागत जीविका दीदियों के द्वारा स्वागत गीत गाकर किया गया, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन गदगद हो गया। वहीं इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सकड्डी गांव में मत्स्य विपणन योजना के तहत 3 साइकिल, 5 मोटरसाइकिल, 2 3 व्हीलर टेम्पो और 1 4 व्हीलर मैजिक गाड़ी का वितरण किया और साथ ही मत्स्य उत्पादन प्रसंस्करण केंद्र, मत्स्य कोल्ड रूम, बायोफ्लॉक टैंक, बायोफ्लॉक पाउंड और कोयलवर प्रखंड के धनडीहा +2 स्कूल का निरीक्षण किया। इसके अलावा नीतीश कुमार ने वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों की शिकायतें सुन उससे संबंधित अधिकारियों को उसे फौरन हल करने का निर्देश दिया। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे भीम बांध वन्य अभयारण्य के बारे में। भीम बांध वन्य अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित एक वन्य अभयारण्य है। यह एक सुंदर पर्यटक स्थल है। घने जंगलों के बीच स्थित भीम बांध में सुंदर मनोहर पहाड़ियां, मन को मोह लेने वाली प्राकृतिक वादियां हैं। यह बिहार के मुंगेर से जमुई जाने वाली मुख्य सड़क से करीब 10 किलोमीटर जंगलों के अंदर स्थित है। भीम बांध में गर्म और ठंडे जल के 2 प्राकृतिक स्रोत है। भीम बांध में प्रवेश करने से पहले वन की इजाजत ली जाती है। वन विभाग द्वारा पर्यटकों को जंगल में बहुत अंदर जाने या अकेले घूमने से मना किया जाता है। भीम बांध में पर्यटक सुबह से शाम तक ही ठहर सकते हैं, क्योंकि यहां अनेक जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। भीम बांध में अनेक प्रकार की कीमती जड़ी बूटियां और लकड़ियां भी मिलती है। गाड़ी का चालान कटा है या नहीं, ये घर बैठे मोबाइल से ऐसे चेक करें। अगर आप भी घर बैठे अपनी गाड़ी को लेकर यह जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का चालान कटा है या नहीं, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको echalan.parivahan.government.in.index पर जाना होगा। अब यहाँ आपको 3 विकल्प दिखेंगे जिससे आप गाड़ी के चालान की डिटेल्स देख सकते हैं। पहला चालान नंबर, जो आपके पास कम ही केसेस में मौजूद होगा। दूसरा व्हीकल नंबर और तीसरा डीएल नंबर। सबसे सरल तरीका व्हीकल नंबर है। यहाँ आपको अपना गाड़ी का नंबर और फिर चेसिस नंबर डालना है, जिसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि गाड़ी का चालान कटा है या नहीं। यदि कोई चालान अनपेड होगा तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। बिहार के इस जिले से जल्द ही उड़ान भरेंगे हवाई जहाज। बिहार में उड़ान योजना के तहत एक और एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद अब जल्द ही गोपालगंज का सबिया एयरपोर्ट शुरू होगा। बता दें कि एयरपोर्ट को विकसित करने के काम शुरू किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले जमीन सर्वे का काम हो रहा है। जमीन के सर्वे के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ रक्षा मंत्रालय की टीम भी पिछले 2 सप्ताह से लगी हुई है। जमीन के सर्वे का काम पूरा होने के बाद एयरपोर्ट के जमीन की बाउंड्री करवाई जाएगी, जिसके बाद उड़ान योजना के तहत रनवे को तैयार किया जाना है। एयरपोर्ट का यह जमीन पूरे 700 एकड़ में फैला है। विज्ञान में रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को मिलेगा लैपटॉप। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की ओर से विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2023 रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता में कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के छात्र भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर जो बच्चे टॉप 10 में शामिल होंगे उन्हें लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा। मालूम हो कि इसमें आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वहीं इसमें आवेदन करने की शुरुआत 20 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो रही है। अब बिहार से बंगाल का सफर हुआ आसान। बिहार से बंगाल जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि अब बिहार से पश्चिम बंगाल के बीच परिवहन विभाग के द्वारा 100 से अधिक नई बसें चलाई जाएंगी, जिसके लिए कुल 45 रूट निर्धारित किए गए हैं। इनमें 31 रूटों पर वर्तमान में रिक्तियां हैं। वहीं इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा वाहन के मालिकों से वाहन स्वामी परमिट की स्वीकृति के लिए 27 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बता दें कि इस परमिट की स्वीकृति के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक 14 फरवरी को विश्वेश्वरय भवन में आयोजित किया जाएगा। इन बसों की शुरुआत होने से बिहार से बंगाल जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।
आज के बाद दोहरा चरित्र दिखाएगा मौसम। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 तारीख यानी कि आज के बाद से बिहार में तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, तो वहीं रात के तापमान में फिलहाल हालात सामान्य रहेंगे, यानी कि अभी सर्द मौसम जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ जगहों जैसे पश्चिम चंपारण, गया, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा आदि जिलों में रात में ठंड के साथ साथ कोहरा भी छाया रह सकता है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26 जनवरी के बाद से राज्य में तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि तब तक लोगों को ठंड में कमी महसूस होने लगेगी। फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा ठंड को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। गाँव में भी होगा मकानों का होल्डिंग नंबर। जातीय जनगणना का काम 30 अप्रैल में पूरा होने के बाद राज्य के ग्रामीण इलाकों में शहरों की तर्ज पर मकानों का होल्डिंग नंबर तय किया जाएगा। बता दें कि होल्डिंग नंबर होने से हर एक परिवार की पहचान हो सकेगी तथा बाद में गाँवों में शहरों की तरह भी सुविधा बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जातीय जनगणना पूरा होने के बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों का अलग अलग अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि गणना किए जाने के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संख्या कितनी है। उसके आधार पर ही ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में भी नए सिरे से होल्डिंग नंबर जारी किया जा सकता है। बिहार के 5 बच्चे कर्तव्य पथ पर करेंगे परेड। 26 जनवरी 2023 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड में बिहार के 5 बच्चे भी परेड करते नजर आने वाले हैं। बता दें कि ये सारे बच्चे राष्ट्रीय कला उत्सव 2023 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। वहीं इन 5 बच्चों में से 3 बच्चे पटना के किलकारी बाल भवन से हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके अलावा ये बच्चे 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और साथ ही 28 जनवरी को विजय चौक पर बिटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान ये बच्चे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। इन 5 बच्चों में बापू स्मारक महिला उच्च विद्यालय से कृति कुमारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन 12वीं स्कूल से मोहम्मद हुसैन, भुवनेश्वर प्रसाद हाई स्कूल से जीतू कुमार, डीपीएस स्कूल पटना के अथर्व मनस और केंद्रीय विद्यालय से आरोही सिंह के नाम शामिल है। भारत में सबसे ज्यादा बिहारियों के पास पीएम जन धन खाता। गरीबों को बैंकिंग की व्यवस्था से जोड़ा जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं अब तक इस योजना से जुड़ने वाले आबादी की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार से है। बता दें कि बिहार से अब तक कुल 68% आबादी इस योजना से जुड़ चुकी है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल 51.1% आबादी इस योजना से जुड़ी हुई है। वहीं अगर बिहार की जाए तो 4 जनवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 5.38 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में 19,200 करोड़ जमा है। बिहार में प्रति खाते 2,821 रुपए जमा हुए हैं। वहीं पूरे देश में अब तक इस योजना के तहत कुल 46 करोड़ से भी अधिक खाते खोले जा चुके हैं। बिहार के जेलों में कैदियों के लिए लगेगा हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम। बिहार के जेलों में बंद कैदियों को अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसके लिए जेलों में हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की पहल की जा रही है। इसके तहत कैदियों की जांच की जाएगी और साथ ही उसकी तस्वीर को परफॉर्मा पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा हर 3 महीने पर कैदियों का वजन भी चेक किया जाएगा और साथ ही रोज बीपी और शुगर की जाँच की जाएगी। बता दें कि इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें अभी 4 श्रेणी में बांटने का निर्णय लिया गया है। जेल आईजी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जेल में बंद बीमार कैदियों का फोल्डर तैयार किया जाएगा, जो 4 रंगों का होगा। यह रंग कैदी की बीमारी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसी आधार पर कैदियों की ओपीडी स्लिप भी जारी की जाएगी। बिहार में 28 और 29 को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की ओर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि बीजेपी ने बिहार में मौजूद 40 लोकसभा सीटों में से 36 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। अपने इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बीजेपी की ओर से बिहार के दरभंगा में 28 और 29 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बात की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा दी गई है। संजय जायसवाल ने यह दावा किया है कि बीजेपी 36 लोकसभा सीटों पर जरूर जीत हासिल करेगी, जिसकी तैयारी बीजेपी की ओर से 28 और 29 जनवरी को बैठक कर शुरू की जा रही है। 2025 में तेजस्वी के सीएम बनने को लेकर बीजेपी ने खोला सीएम नीतीश का राज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा वाले घोषणा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से निराश हो चुके हैं कि उन्हें कोई नेता मानने को तैयार नहीं है, इसलिए 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी से इसलिए अलग हुए थे क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन उन्हें
दो महीने में ही समझ आ गया है कि उनके विरोधी दल में भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके बाद अब उन्हें यह लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अभी बना दिया जाए तो दिल्ली की भी कुर्सी चली गई और अब यहाँ की भी चली जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश सिंह। बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश सिंह द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया है कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस के दो और मंत्री शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने यह बात तब कही जब वे बिहार में हो रहे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत रोस्टा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पद यात्रा को लोगों के द्वारा अपार समर्थन दिया जा रहा है। यात्रा सभी को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य से बिहार में बांका से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा सभी को जोड़कर देखती है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। दिल्ली एम्स में भर्ती हुए उपेंद्र कुशवाहा। एक तरफ जहां जेडीयू के संसदीय बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में उतल पतल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स में भर्ती हो गए हैं, जहां वे अगले 3 दिनों तक रहने वाले हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए दी गई है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, मैं अगले 2 दिनों तक रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले दिनों अपनी तरफ से दिए गए बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहे, तो वहीं बीते दिन जेडीयू की ओर से महाराणा प्रताप स्मृति दिवस कार्यक्रम को लेकर पटना में लगे पोस्टर से उपेंद्र कुशवाहा को हटा दिया गया। स्कॉटलैंड को हरा सुपर 6 ग्रुप में पहुंची भारतीय महिला टीम। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के 5वें दिन भारत ने बेनोनी में खेले गए तीसरे मैच में स्कॉटलैंड को 85 रन से हराते हुए अपने नाम जीत दर्ज कर ली। बता दें कि भारत ने अब तक 3 मैचों में जीत हासिल कर लिया है और इसी के आधार पर भारत अब सुपर 6 में शामिल हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जिसके बाद भारत की ओर से स्कॉटलैंड को 152 रन का लक्ष्य दिया गया। वहीं स्कॉटलैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और 13.1 ओवर में 66 रन बनाते हुए ऑल आउट हो गई। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा को 1957 को आज ही के दिन ट्रॉम्बे में उद्घाटन किया गया। 1957 में भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जहाजों को अपने यहाँ सुविधाएं नहीं देने की घोषणा की। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उदय 1971 में हुआ। भारतीय राज्य मेघालय की स्थापना 1972 में आज ही के दिन हुई थी। नेपाल और भारत ने पारगमन संधि अवधि को 2006 में 3 महीने के लिए बढ़ाया। बॉलीवुड अभिनेता देव आनंद को 2008 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। गुरुदत्त की फिल्मों कागज के फूल, चौधरी का चांद और साहब, बीबी और गुलाम आदि को फिल्माने वाले सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को 2010 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया। भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत 2010 में हुई। वायलखंड में आज हम बात करेंगे फर्जी पत्रकारों के खिलाफ FIR के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फर्जी पत्रकारों के खिलाफ FIR के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ FIR होगी। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इनकम टैक्स इंडिया ने जारी की अर्जेंट नोटिस, 31 मार्च से पहले कर ले ये सभी काम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन कार्ड धारक वालों के लिए एक अर्जेंट नोटिस जारी की गई है। बता दें कि इस नोटिस के तहत यह सलाह दी गई है कि वैसे लोग जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, वे जल्द से जल्द ये काम करवा ले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट को लिंक करने को कहा गया है। इससे पहले भी यह सलाह दी जा चुकी है लेकिन इस बार के सलाह में कुछ अन्य बातों को भी खुलासा किया गया है। विभाग की ओर से ट्वीट से नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। अत्यावश्यक सूचना देर न करें, इसे आज ही लिंक करें।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं बंटी कुमार, सदुल्लाह पलवी, कुमारी संजना, मृत्युंजय कुमार, रवि कुमार राम, विनोद कुमार मांझी, नुसरत बनो, पंकज कुमार, रूपेश कुमार, अंबिका कर्ण, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, सुशील कुमार, अनिल कुमार, राजकिशोर कुमार, अंकुश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।